पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण करके स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने पूरे परिसर में वृक्षारोपण किया और शुद्ध पर्यावरण के लिए लोगों का आह्वान किया कि एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। कुलपति ने कहा कि अगर हर वृक्ष लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह, उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी मिश्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह, मीनू सिंह, सुषमा पांडे सहित अन्य शिक्षक व NSS के स्वयं सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, आप मैडम चलिए आज का विश्व पर्यावरण दिवस विश्व में जागरूकता बढ़ी है, साथ में भारत में भी और हमारे पूर्वांचल में भी, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी पेड़ों की महत्ता के बारे में तो प्राचीन काल से ही हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है। पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो करीब समाप्ति की ओर हैं, उनका भी संरक्षण करना जरूरी है। और शुद्ध हवा के लिए, पानी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए पेड़ों की जो महत्ता है वह सर्वविदित है। हर विज्ञान में, हर ज्ञान में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और पूरे विश्व की आबादी का, पूरे जमीन के क्षेत्रफल का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि अभी विश्व में जिसके क्षेत्रफल के 20% रह गई है, तो अभी हम 12-13% कभी और कवर करना है। और पेड़ कट करके जो कंक्रीट जंगल बन रहे हैं उससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ पानी की भी कमी महसूस की जाएगी। तो इस वजह से ये जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है, खासकर जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, कि पेड़ों का न कि सब प्लांटेशन करें बल्कि उसका संरक्षण भी करें। ऐसा न हो कि प्लांटेशन होने के बाद फिर कुछ समय बाद पेड़ गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसका बीज बचाव भी करें, रखरखाव भी करें, ताकि उसका लाभ जो है पीढ़ियों दर पीढ़ी मिलती रहे। और ये माना जाता है कि एक वृक्ष जो है 10 पुत्र के समान होता है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट से प्राचीन काल से ही हमारे देश में है, तो हम उसको बढ़ावा देंगे। और आज का दिन एक विशेष दिन है, लेकिन इस दिन के अलावा बाकी दिनों में भी हम पर्यावरण के लिए जागरूक रहें और अपना श्रमदान करते रहें, ऐसी मेरी सबसे कामना है।